हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। कल का लेक्चर होप आप लोगों ने देख लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे ही पड़ा हुआ है, साथ ही साथ आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो आज भी उसी प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए हाजिर हो चुका हूँ। हर बच्चा, चाहे वो किसी भी ब्रांच के लिए हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, मेरा सजेशन है ये लेक्चर्स जो सीरीज में आपके सामने लेके आया हूं, ये आप लोगों को देखनी ही देखनी है। ठीक है, बहुत मेहनत से लाया हूं। ठीक है, और अगर आप कल के क्वेश्चंस देखेंगे तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूं वहां पर, मैं सिर्फ वहां पे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन के आसपास की चीजों को भी डिस्कस कर रहा हूं जो मुझे कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल किसी ने देखा है क्लास, जिसने मेरी इंजीनियरिंग सर्विसेज की क्लास अटेंड करी है, वहां से 3 से 4 क्वेश्चन कल आए हैं जो मैंने दिखाए हैं, और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एसएससी जेई प्लस ए। तो अब आप समझ सकते हैं उनकी इंपॉर्टेंस। तो अभी सिर्फ हम डेली 50 से 60 क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, डेली 50 से 60 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जाके वीडियो को शेयर कर दो। कोई भी बच्चा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर वो नॉन टेक्निकल है तो भी इस क्लास को वो अटेंड कर सकता है, अगर वो नॉन टेक्निकल है तो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। आपका कर्तव्य बनता है दोस्तों कि उनके साथ शेयर करो। ठीक है, क्लासेस में बहुत मजा आने वाला है। सभी को गुड इवनिंग। अनुष्का जी गुड इवनिंग, यश भाई गुड इवनिंग। ठीक है सर, आई एम नॉट एबल टू क्रेक गेट, व्हाट टू डू नाउ, प्लीज गाइड मी। भैया फिर से उठो, फिर से लड़ो। अनुज भाई, आपका तो नाम ही अनुज है, अनुज मेरा भी नाम है, तो बिल्कुल, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है अनुज भाई। मैंने पहली बार जब गेट दिया था, मैंने बताया था जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, दोबारा दोगुनी स्पीड से आया दोस्त, वही आपको करना है, डबल स्पीड से आना है, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उठो, क्या हो जाएगा। मैंने एक बहुत बढ़िया एक लाइन डाली थी आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो जुड़ जाइएगा, दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है कि आप लोग गिर गए, असफल हो गए, मुझे इस चीज से बिल्कुल दिक्कत नहीं है कि आप फेल हो गए लाइफ में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि लाइफ में फेल नहीं, मतलब एग्जाम में फेल हो गए, कोई बात नहीं, गेट में क्रैक नहीं हुआ मतलब फेल हो गए, कोई बात नहीं, शर्म नहीं आनी चाहिए उस बात से। ठीक है, मुझे दिक्कत इस बात से कि आप इस चीज से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं, यार कोई बात नहीं, हो गया, अब मुझसे नहीं होगा यार, हो गया, दिक्कत इस चीज से है, दिक्कत इसी चीज से है दोस्त। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं बैठना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, चलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ एंजॉय कर लीजिए, मूवी देख लीजिए, आज हमारे साथ क्वेश्चंस लगाइए अनुज पटेल जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस सेटिस्फाई नहीं होना है, अगर 30 नंबर आए हैं तो भी सेटिस्फाई नहीं होना है, 40 आए हैं तो भी सेटिस्फाई नहीं होना है, और 20 आए हैं तो भी सेटिस्फाई नहीं होना, 10 आए तो भी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कहानी सुनाई थी अगर याद हो तो, एक बच्चे की, नाम नहीं बताऊंगा, बता चुका हूं, जिसने 12th फेल था, वो क्या था दोस्त, अनुज भाई सुन लीजिए शॉर्ट में, 12th फेल बनना था। ठीक है, आज IIT में पढ़ रहा है। ठीक है, तो कभी फुर्सत से कभी सुनाएंगे कैसे। ठीक है, तो उस बंदे की और मेरा बहुत, अब क्या ही बोलूं, चलो छोड़ो। ठीक है, तो कभी सुनाएंगे अनुज भाई, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस हमारे माइंड में चीजें चलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अनुष्का जी, बहुत बढ़िया, लेकिन 37 कम है, इसको 57 करना है भैया, इस बार इसको 57 करना है। ठीक है, तो जिसने वो कहानी सुनी है उसको तो याद रहेगी जिंदगी भर, जब भी डिप्रेस हो वो सुन लीजिएगा। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, रात में 8 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप, याद रखिएगा, रात में 8 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, रात में 8 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जहां पर क्विज होगा, जहां पर क्विज होगा, है ना, चलिए जहां पर क्विज होगा तो तैयार रहिएगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए, अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे जाके आप प्लस पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं, लेकिन मुझे पता है सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपके मन में डाउट है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, दिस इज माय नंबर, ओके। कोई भी दिक्कत है दोस्त आपका, छोटा बड़ा भाई जो भी मानना है मान के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फ्री कोर्स से देखने के लिए यहां जाइए, कोड हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कोड इज AC007, कोड याद रखिएगा दोस्तों हमेशा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहे सब्सक्रिप्शन जो आपको 10% ऑफ में मिल जाएंगे। प्लस एक ही चीज और आई है, टेलीग्राम ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाओ यार मेरे साथ। अनुज मेरा नाम लिख दीजिएगा, अनुज स्पेस दीजिए 24 स्पेस दीजिए पीडीएफ। होप आप लोगों को पीडीएफ मिल गई। अच्छा पीडीएफ मिल गई सभी को, पीडीएफ भेज दिए मैंने कल की इस टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने कल की पीडीएफ भेज दी है सभी को, मिल गई कि नहीं मिल गई? प्लीज जितना शेयर हो सके कर दो यार दोस्तों, यार वीडियो को जितना शेयर हो सके कर दो यार, ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ यार दोस्तों। ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके प्यार के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आज के भी क्वेश्चन देखिएगा, मजा आएगा। आज क्या लाया हूँ पता है, एक नई चीज, कोरोना के करंट अफेयर। कोरोना के करंट अफेयर भैया आ सकते हैं, कोरोना से रिलेटेड जो करंट अफेयर है। आज कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, कल भी कुछ लाऊंगा। जीएस भी है, जीके भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, रीजनिंग भी है, सब कुछ है, मिरर इमेज भी है, ठीक है, पेपर कटिंग भी है, तो मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज पटेल जी, मेरे लेक्चर्स आप जाके देखिए। आज तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एमसीक्यू करा रहा हूँ, आज एमसीक्यू करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा पढ़ा भी रहा हूँ, मोर देन इनफ है, उसके लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं, अकेडमी कुंभार जो हो रहा है भैया, इसमें भी जाके जरूर इनरोल कीजिएगा। कोड याद रखना है हमेशा, AC007 कोड डाल दीजिएगा, जाके अपने आप को चेक तो करो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, CSIT के हो, ठीक है, अपने आप को भैया एनालाइज कर लो कहां पे हो, ठीक है, अपने आप को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ, प्राइज भी है, सब कुछ है भैया, स्कॉलरशिप 100% मिलेगी अगर आप टॉप 3 में है तो, ठीक है। चलिए एनरोल कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए भैया, नेक्स्ट 21 मार्च को है, कल ही है 21 मार्च, 11 बजे एनरोल कर लीजिएगा। कोड याद रखिएगा AC007, और कुछ जानना है मुझसे आप पूछ लीजिएगा, बट एनरोल जरूर कीजिएगा, ठीक है, कोड याद रखिएगा AC007। चलो शुरुआत करें, और कोई आ रहा है कि शुरुआत करें, शुरू करें अंताक्षरी, क्वेश्चंस लगाना चालू करें। अनुज भाई टेंशन मत लो यार, मुझे उम्मीद है अभी तुम्हारा नहीं हुआ है ना, तुम 50 लाओगे भैया इस बार गेट में, मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं करता, मैं हवा में बात नहीं करता कि 90 लाएगा, नहीं अभी से पढ़ाई चालू करते, मिनिमम 50 तो लाना है भैया, 50 से कम में काम नहीं चलेगा दोस्त, ठीक है, 50 से कम में काम नहीं चलेगा भाई। लेट्स बिगिन, अनुज भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जुड़ो यार हमारे साथ। चलो एक कहानी सुनाएंगे फिर भाई बाद में, है ना अनुज भाई, आपको भी उस दिन तो शायद अनुष्का जी अकेले थे। लेट्स बिगिन, अरे बहुत बिजी क्वेश्चन आ गया, कौन है क्रिकेट का फैन, क्रिकेट का फैन यहाँ पे बहुत लोग हैं लग रहा है, चलिए क्रिकेट का फैन कौन कौन है, शुरू हो जाओ क्रिकेट से शुरुआत करते हैं आज की अंताक्षरी क्रिकेट के साथ शुरू करते हैं। बताओ आंसर बताओ जल्दी से आंसर बताओ, क्रिकेट की अंताक्षरी शुरू कर दी है, लाइक ठोको यार प्लीज यार, लाइक चाहिए यार आज यार कम से कम 50 चाहिए यार, देखते हैं। खैर आप लोग को बोलेंगे तो पता नहीं होंगे कि नहीं, बट मैं बोल नहीं रहा हूं, बट अगर आपको अच्छे लगे तो जरूर करिएगा, ठीक है। मैं नहीं हूं, अनुष्का जी नहीं है, बट चाहिए अनुष्का जी, हमें सीखना तो पड़ेगा, है ना, ठीक है, हमें कोई चीज पसंद नहीं इसका मतलब ये नहीं है उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मैं नॉनवेज नहीं हूं तो बोलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या बात है। जिम्बाब्वे, श्रुति जी बी बोल रही हैं गर्ल्स सही होती हैं कि नहीं देखते हैं। यश भाई जिम्बाब्वे बोल रहे हैं, बाकी लोग गूगल करने तो नहीं चले गए। अनुष्का जी, यश भाई सी बोल रहे हैं, चलो भैया आंसर बताओ जल्दी से सी। मेरे दोस्तों ये तो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए, बहुत ही सरप्राइजिंग था, सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है एंड वो है श्रुति जी। श्रुति इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो लड़कियों को तो वैसे क्रिकेट नहीं पसंद है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, है ना, तो यहां से हमें सीखने को मिलती है चीजें, ठीक है। तो श्रीलंका गॉट द स्टेटस ऑफ टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट इन 1981 एंड बीट इंडिया इन 1979 इन वर्ल्ड कप, बिफोर दिस दे वर चैंपियन ऑफ ICC नॉन टेस्ट प्लेइंग क्रिकेट। आया मजा आया कि नहीं आया भैया, आगे बढ़े, मैंने क्वेश्चन ही जानबूझ के डाला, ये क्वेश्चन बढ़िया था, कोई सोच ही नहीं सकता, ऑप्शन सिर्फ दो आएंगे, या तो जिम्बाब्वे लगाओगे या कनाडा लगाओगे, मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद कनाडा लगाता, कनाडा या जिम्बाब्वे से मैं एक लगा देता, हालांकि कनाडा ने कभी हराया नहीं इंडिया को, तो मैं जिम्बाब्वे लगाता, लेकिन जिम्बाब्वे इज नॉट अ करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो अनुज पटेल जी ने बी बोला था, बहुत बढ़िया, अनुज पटेल ने भी बी बोला था, श्रुति ने भी बी बोला था, तो बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, बहुत नई चीज थी, चलिए मजा आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यश भाई कल नहीं आए थे शायद, है ना, लेक्चर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए,
हिटलर पार्टी विच केम इन टू द पावर इन 1933 इज नोन एज, चलिए हिटलर पार्टी का नाम बताइए। भैया बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाए हूँ, पीवाईक्यू है एसएससी जेई के, अभी नहीं, ये नहीं है, ऑब्वियसली बात है ये नहीं है, पीवाईक्यू आगे हैं एसएससी जेई के, मैं बता दूंगा कब जब चालू होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुभम पाटिल जी ने आंसर दिया इसका, सबसे पहले आंसर दिया उन्होंने नाजी पार्टी, आर यू श्योर भाई शुभम भाई, मिश्रा जी ने भी दिया, अनुष्का जी ने भी दिया, अनुज पटेल सभी भी दे रहे हैं, सभी भी दे रहे हैं, ओके तो जब सब भी दे रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है, डेमोक्रेटिक तो नहीं बोल रहे कोई। अच्छा डेमोक्रेटिक कहां पे यूज होता है, डेमोक्रेटिक कहां यूज होता है, डेमोक्रेटिक कहां है, यूएसए, ओके बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, इस बार श्रुति जी गलत है, बी इज करेक्ट। चलिए अगला करिए। अच्छा, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन, कौन जीता था, कौन जीता था भैया, अभी भी गलत बात है, लाइक्स नहीं आ रहा है। चलिए 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 अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रेस, कम ऑन टेल मी दोस्तों, कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी दोस्त, कम ऑन टेल मी, जल्दी से दोस्तों फटाफट। हाँ जी आंसर आना चालू हो गए, आंसर आना चालू हो गए, चलिए 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 जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। बी पी टी उषा, कमिश्नर के संधु जी, बी सी बी, सी इज करेक्ट, सी किसने बोला, सी इज करेक्ट, संधु जी, यश भाई ने बोला है, वो सही है, यश भाई ने बोला है, और कोई नहीं बोला यार, और कोई नहीं बोला है, सी, सिर्फ एक ही भाई सही था, सिर्फ एक ही ने आंसर सही दिया इसका, किसी को आंसर नहीं पता इसका, बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये, ठीक है, पता होना चाहिए भैया, फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है, पता होना चाहिए था। पीटी उषा नहीं है, पीटी उषा नहीं है भैया, हम तो पीटी उषा ही लगाएंगे, नाम सुना तो सुना है, बट ऑब्वियसली बात है, अगर पीटी उषा होता तो मैं क्वेश्चन नहीं लाता, आपको इतना दिमाग लगा लेना चाहिए था, क्या बोलते हो दोस्तों, अगर इसका आंसर पीटी उषा होता तो क्वेश्चन में नहीं लाता ना, क्या बोलते हो, है कि नहीं, है कि नहीं दोस्त। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है, आंसर सही है दोस्त यार, टेंशन मत लीजिएगा, कमल जी संधु इज करेक्ट, ठीक है आगे बढ़े। पीडीएफ की टेंशन मत लेना भैया, पीडीएफ यहीं मिलेगी, अनुज फिर चौबे फिर पीडीएफ यहां मिल जाएगी, जाके लिख देना, किससे चाहिए पीडीएफ, अनुज चौबे से, क्या चाहिए पीडीएफ, बस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, सही है सही है, चलिए सही है, अगला क्वेश्चन करके बताइए। देखो भैया इनको क्वेश्चन को देख लो, पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए, बहुत क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करो यार प्लीज यार, थोड़ा सा फास्ट करो दोस्तों यार, थोड़ा सा फास्ट करो प्लीज। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली, रिसेंटली बात हो रही है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पास्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल द रिजर्वेशन टू एससी एंड एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज विल बी एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स। चलिए देखते हैं, फिर से आंसर आने चालू हुए, दीपम शाह जी ने 5 बोल दिया, भैया मजेदार हो रहा है, मजेदार हो रहा है, कुछ तुक्के मत मारो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुक्के मत मारो, तुक्के से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा शांत बन रखो और दिमाग लगाओ, ठीक है, और अगर नहीं आता है तो शांति से सुनो, ये नहीं कि ए बी सी डी ए, ऐसे मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा दोस्त, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा सोचो शांति से, केबीसी देखते हो वहां लोग क्या करते हैं, तुक्के मारते हैं क्या, यहां ऐसे मत लो कि यार कुछ जा थोड़ी रहा है, इसको भी एग्जाम की तरह लो, ठीक है, और अपने आप को करो कि आज मैंने 50 क्वेश्चन करे तो कितने सही थे कितने गलत थे, और इसको धीरे धीरे इंप्रूव करो। चलिए बी 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 बी, यस बी इज करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, राज्यसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल टू एक्सटेंडेड रिजर्वेशन टू एससी एसटी इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज बाय अनदर 10 ईयर। अब सुनो, द बिल वॉज पास बाय लोकसभा ऑन 10 दिसंबर, अगर कोई पूछ ले तो 10 साल के लिए है और 10 दिसंबर को ही पास हुआ था, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा भाइयों, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, चलिए बताइए, चलिए आगे बढ़े, 10 दिसंबर को पास हुआ था, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर चेक यूर कनेक्शन, नेट गया क्या यार, ये गलत हो जाएगा यार, अगर ऐसा हुआ तो दंगे हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी, अगर नेट चला गया तो, गया क्या,
कनेक्शन तगड़ा है। चलिए थैंक यू भैया, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। बफरिंग है क्या भाइयों और बहनों? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, अब ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं यार? बहुत ढूंढना पड़ते हैं दोस्तों। आप ये देखिए, ये देखिए, ये 12वां क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसके, फिर 16वां। मेरे जितने क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, जो मुझे लगते हैं हमें लाने चाहिए। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेट? कौन सा है बताओ, आंसर बताओ कौन सा है। अरे यार हाँ यार, थोड़ा सा नेट में दिक्कत आई है। सही बोल रही है श्रुति जी, यार मेरे दुश्मन है ये सब यार, पता नहीं क्यों होगा यार, नेट कनेक्शन है यार। एक बार वीडियो बंद करके चालू करूं क्या? एक बार वीडियो बंद करके चालू करूं क्या? सी सी सी, सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग सी की तरफ जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, सी इज करेक्ट आंसर। बाप रे, सभी को पता था मुझे छोड़ के। चलिए सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। पवन कुमार चामलिंग ऑफ द सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। कहाँ के थे ये भी याद रखिएगा, सिक्किम के थे। कब से कब तक थे? 1994 से 2019। देखो ये याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट कहाँ के थे ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, नाम और कहाँ के थे दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, अगर कभी भी नेट में दिक्कत आए भागना नहीं है, जब तक मैं मैसेज ना करूं। मैं मैसेज कर दूंगा कि क्लास खत्म हो गई है, अगर नहीं करूंगा तब तक भागना नहीं है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। लाइक तो ठोको यार, लाइक इतने लोग देख रहे हैं, लाइक इतने कम, गलत बात है यार, दुख होता है। चलो खैर आपकी मर्जी, आपको अच्छे लगे तो लाइक मारिएगा, ठीक है? सबसे पहले लाइक करो, ठीक है? क्लियर है क्वेश्चन? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? लाइक का मतलब बस ये है कि इतने लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो, बस। अगला क्वेश्चन आ गए, कोरोना के क्वेश्चन, कोरोना के क्वेश्चन आ गए। चाहिए कोरोना के क्वेश्चन? 4 से 5 आज हैं, बाकी के कल हैं। अगर पूरे आज करा दूंगा तो बोर हो जाएंगे, आधे कोरोना आज आधे कल। चलिए करिए अगला क्वेश्चन, चलिए करिए करिए करिए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए जल्दी से, ये वाला फटाफट। किसी को पता है? थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज प्रोड्यूस टू टेस्ट इट्स नोबल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल। किस पे किया था, किस पे किया था, किस पे किया था? हैंस बोल रहे हैं, हैंस मुर्गी, कुकड़ुकू। चलिए देखते हैं, जल्दी बताओ आंसर, किसी को पता है इसका आंसर? अब मंकी बोल रहे हैं भाई, ये अनुज भाई मंकी बोल रहे हैं, अनुज भाई भाई है, अनुज मंकी बोल रहे हैं। और कोई? नो आइडिया, नो आइडिया। अनुष्का जी ये, यस मंकी, यस मंकी इज करेक्ट। अब भैया नया क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, तो इसके बारे में जरा डीप में एनालिसिस कर ले, इसके बारे में डीप में ले लो। आफ्टर सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट ऑन माई नाउ, थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज प्रोड्यूस टू टेस्ट इट्स नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन मंकीज। द वैक्सीन यूजेस मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ये टेक्नोलॉजी है, टू वीकन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस एंड प्रोड्यूस एंटी जीन्स टू फाइट विद द वायरस फ्रॉम द रूट। ठीक है, याद रखिएगा, इस चीज को याद रखने वाली बात है भाइयों और बहनों, कि उन्होंने क्या करा, वायरस को क्या करने के लिए, वीक करने के लिए। चलिए याद रखिएगा, है ना? हालांकि पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जा सकता है, किसने किया, किसने किया और किस पे किया। ठीक है, चलो और करना है कोरोना पे क्वेश्चन, कोरोना पे और क्वेश्चन करने हैं, हाँ या ना? और करने हैं कि नहीं करने कोरोना पे, हाँ या ना? और बिल्कुल करने हैं, चलिए अच्छी बात है, चलिए करते हैं, फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया है, और करिए, ये लीजिए अगला, करिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, करिए और करिए, ये लो कोरोना पे और लो, कम से कम कोरोना कुछ तो फायदा देके जाए, कम से कम क्वेश्चन ही बन जाए, है कि नहीं? कम से कम एग्जाम में 2-3 मार्क्स ही दे जाए कोरोना, तो ही फायदेमंद है भैया। चलो खैर अगला करो, अगला करो। दोस्तों ये जो सेशन चल रहे हैं, मेरा बिल्कुल प्रयास है आप कोई भी एग्जाम देने जाएं 10 क्वेश्चन तो मिल जाए फैमिलियर यार, तो मजा आ जाए मेरा, मतलब मेरा मेहनत, हर हर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम कवर करने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। चलिए देखते हैं,
बी और सी बोल रहे हैं, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोनटेक एंड यूएस फार्मा जाइंट पी फाइजर फॉर कोविड-19। चलिए, पता है किसी को? मुश्किल है, ये पता हो तो बता देता हूँ। ए इज करेक्ट आंसर। यार क्या बात है अनुज भाई, पता था क्या? क्या बात है अनुज भाई, तो आज फॉर्म में है लग रहा है। अनुज भाई फॉर्म में, बड़े सही आंसर दे रहे हैं। ए ए यश भाई ने भी सही दिया। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। बी एन टी 162, ये मुझे भी पता नहीं था सीरियसली। ठीक है, बी एन टी 162 इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय जर्मन कंपनी बायोनटेक एंड यूएस फार्मा, इन दोनों ने करा था। ठीक है, इट इज ग्रुप ऑफ फोर पोटेंशियल वैक्सीन बेस्ड ऑन द मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए, इसको जरा याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑन द अदर हैंड पी आई सी ओ वी ए सी सी इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप्ड बाय द प्राइवेट बायोफार्मा कंपनी, दीज वैक्सीन आर इन क्लिनिकल ट्रायल फेसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दो ये तो बनना चाहिए भैया, क्या है कोरोना वायरस? चलिए बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो, ऐसी चीजें बहुत काम आती हैं। देखो भैया, चलो अनुज भाई ने, जो पटेल साहब, हमने एक चीज तो कंफर्म कर दी कि ये रिसेंट के ही है ना, रिसेंट ही है। आपको बोल रहा हूं मैं, आप बोलो मुझे, ठीक है, मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए। ये रिसेंट ही है, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन लाया था, ये नहीं है, ये रिसेंट नहीं है। ठीक है, जो करंट अफेयर के हैं वो रिसेंट ही क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर बताओ। कोरोना वायरस है क्या? इट इज अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ नाइडो वायरसेस, और ए और बी करेक्ट और ए करेक्ट। यार अगर ए करेक्ट है तो डी कैसे होगा? यार ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर ए करेक्ट है तो डी कैसे करेक्ट हो सकता है ना, ये डी और ए तो दोनों सिमिलर ही, कुछ ही बोल दो मैं मान लूंगा, सही मान लूंगा। सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। कोरोना वायरस आर अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस एंड बिलोंग टू नाइडो वायरसेस फैमिली और नाइडो वायरसेस ऑर्डर विच इंक्लूड्स कोरोना वायरिडे, एट्रीवायरिडे एंड आर्डवायर फैमिली। ठीक है, चलिए सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आ भी चुका है। दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। 100% बच्चों से क्वेश्चन बनना चाहिए भैया, 100% 100% क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चों से। बिल्कुल अरुण वर्मा जी, बिल्कुल सही है, 100% बच्चों से बनना चाहिए क्वेश्चन। ये नहीं बना तो गलत बात है यार, इतने दिन से न्यूज में सुन रहे हैं। सी 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 सबको पता है, सी 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 पक्का लॉक कर दो, सी सी चलो सबको पता है, अच्छी बात है ना। अच्छा कहाँ है ये वुहान सिटी, ये तो पता है ना कहाँ है। चलिए, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन वुहान, वहीं प्रोविंस, तुमको पता नहीं क्या नाम लिखा है ये मैं छोड़ो इसको, ये क्या है प्रोविंस चाइना। ओके थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, ये पीवाईक्यू चालू हो गए, अभी तक जो थे वो पीवाईक्यू नहीं थे भैया, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है किसी को। जो लेट जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं, कभी भी जुड़ रहे हो, अब कभी भी जुड़ रहे हो, ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अब आ गए हैं पीवाईक्यू, जो लेट जुड़ रहे हैं पूरे देख लेना बाद में। चलो खैर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन ऐसा है जो वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं यूज होता है? चलो भैया बता दो फटाफट, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट। गलत आंसर दे रहे हो दोस्त, चलिए देखते हैं, डी 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 देखते हैं, डी 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 डी, यस इज करेक्ट आंसर भैया। इस ये होता किस लिए है? एड ऑफ फाइल रीडर, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं, डी इज करेक्ट, बिल्कुल। किस लिए यूज होता है दोस्तों, ये जरा बताओ। बी इज नॉट करेक्ट आंसर, क्या बात कर रहे हो यार, वर्ड पैड नाम ही वर्ड है उसका तो, है ना। बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, यस डी इज करेक्ट आंसर। ओके, इसका यूज क्या है जरा कमेंट करो कोई मेरे लिए, जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूँ तब तक इसका यूज बताओ क्या है। एड ऑफ एक्रोब रीडर का यूज क्या है? ये रीड करने के काम आता है, क्या? पीडीएफ, जिसको हम पीडीएफ बोलते हैं, किसी भी चीज को रीड, सिर्फ रीड, जिसमें एडिटिंग हालांकि होती है, अगर उसका पेड वर्जन लो तो आजकल हो जाता है वो भी। ठीक है, बिल्कुल सही, पीडीएफ इज करेक्ट, पीडीएफ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विद ट्रांसलेटिंग द उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पेरिशियन? चलिए बताइए, संस्कृत से पेरिशियन में ट्रांसलेट किसने करा था? चलिए बताइए, किसी को पता है?
किसी को पता है इस चीज के बारे में? मुश्किल है पता हो तो, बट देखते हैं किसकी अच्छी है भैया। सिर्फ व्यूअर नहीं है पता, आजकल एडिट होने लगा है पता है, वो आपने किया हो पता नहीं, अगर आप पेड खरीदते हैं तो शायद उसमें एडिट हो जाता है। खैर चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। चलिए पता है मतलब आंसर क्या बात है। अनुष्का जी ये बोल रही हैं, श्रुति जी ये बोल रही हैं, यश भाई बोल रहे हैं, कौन सा आंसर बोल रहे हैं? यश भाई सी। चलिए देखते हैं क्या आंसर है। दीपम शाह जी भी सी बोल रहे हैं, नाम से सी लग रहा है, दारा सुख। चलिए देखते हैं, देखो ये तो नहीं है, इतना तो सब जानते हैं है ना, ये लग रहा है ये नहीं है। यस, दारा सुख इज क्रिएटेड विद ट्रांसलेटिंग दी उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पेरिशियन। ठीक है, याद रखिएगा, दारा सिंह से याद रख लीजिएगा, दारा सिंह उपनिषद, इस तरीके से याद रख लीजिए। गुड क्वेश्चन भैया, दिस इज गुड क्वेश्चन, अगेन अगेन गुड क्वेश्चन। ऐसा कल भी एक कराया था, 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों, एक 2019 में भी आया, 17 पे भी मैं गया नहीं, 17 भी चेक करके बताऊंगा कि 17 में भी आया, हर बार आ रहा है ऐसा एक क्वेश्चन जेई में। पैरासेक इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉट, चलो बता दो किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है बता दो किसकी यूनिट है फटाफट बता दो। पैरासेक इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉट, जल्दी बता दो। अच्छा अगर आप बोलोगे तो कल ये मैं अनअकैडमी ऐप पे कर लूंगा, बहुत मजा आ रहा है ना आपको, तो इसको क्विज के फॉर्म में कर लेते हैं कल, देखते हैं किसमें कितना है दम, क्या बोलते हो दोस्तों? है ना, आप बोलिएगा बस मजा आ रहा है कि नहीं, अगर मजा आ रहा है तो एक बार क्विज के फॉर्म में आ जाऊं, कोई किसी को कॉपी नहीं करेगा, है कि नहीं? चलिए सी बी सी बी, डेंसिटी डेंसिटी बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ लेंथ बोल रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली वैसे गर्ल्स इज ऑलवेज राइट, बट इस बार गर्ल्स गलत है, इस बार गलत है, इस बार गलत है, बिकॉज बी इज करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, एक बात और आज ही अनाउंसमेंट कर देता हूं, कल ये वाली क्लास जो 6 बजे होती है वो कहाँ होगी, वो कहाँ होगी, वो कहाँ होगी, यही वाली क्लास कल कहाँ होगी? अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सारी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है याद रखिएगा। हाँ 8 बजे वाली क्लास सेम एज इट इज टाइम होगी, उसको और इसको मिक्स मत कीजिएगा, 6 बजे अलग है 8 बजे अलग है, लेकिन 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 एक चीज याद रखिएगा, दिन में क्या हो रहा है, संडे है, संडे को क्या होता है दिन में 12 बजे, किसी को याद है पिछले संडे हमने दिन में 12 बजे क्या किया था, किसी को याद है? किसी को याद नहीं होगा तो फिर लूंगा ही नहीं वो क्लास में, किसी को याद है संडे को 12 बजे पिछली बार हमने क्या किया था? जो मैं वादा करता हूं वो कभी नहीं बोलता हूं, पिछले संडे 12 बजे क्या किया था? बिल्कुल सही, एक ही निकला मेरा सच्चा दोस्त, ठीक है, सोम और एफएम का क्विज, ठीक है 12 बजे आएगा सोम एफएम का क्विज, 6 बजे यही जीएस का क्विज, और रात में 8 बजे मैथमेटिक्स का क्विज, ठीक है चलिए तैयार रहिएगा, चलिए ठीक है चलिए। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पैरासिक के बारे में पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस ऑफ विच द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सस्टेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, याद रखिएगा इस चीज को। दस अ स्टार एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 पार्सिक वुड हैव पैरेलेक्स ऑफ 1 सेकेंड, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है आपको पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था याद रखिएगा। अच्छा पैरासेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स पैरेलेक्स इन सेकेंड ऑफ आर्क, मतलब 1 सेकेंड में कितना आर्क जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो कल संडे है, एक क्लास 12 बजे, एक क्लास 6 बजे और एक क्लास 8 बजे, तीनों क्लास इंपॉर्टेंट हैं, अटेंड करिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन विद कंसेप्ट सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए भाई और बहनों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स रिप्रेजेंट इंडियास नेशनल लेवल प्रोग्राम टू प्रमोट हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बता दो जरा कमेंट करके सभी लोग, कौन सा इसमें से प्रोग्राम है जो प्रमोट करता है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, किसी को पता है ये चीज? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बी और डी में लड़ाई हो रही है अभी फिलहाल, किसी और को नहीं पता है, मेरा फोन की चार्जिंग खत्म हो गई, कमेंट कैसे देखूंगा। हाँ जी जल्दी से बताइए आंसर, बाकी लोगों के आंसर नहीं आया यार अभी तक, यार गलत बात है,
गलत बात है, बाकी लोगों के आंसर नहीं आए। बी ए अनुज पटेल ए बोल रहे हैं, दीपम बी बोल रहे हैं, यश भाई डी बोल रहे हैं, श्रुति बी बोल रही है, अनुष्का जी डी बोल रही है एंड ए इज करेक्ट आंसर। भैया अनुज पटेल जी क्या खा के आए हैं आज? अनुज पटेल जी आज क्या खा के आए हैं? दीपम शाह जी बोल रहे थे ब्रीत, नहीं भैया ब्रीत अभिषेक बच्चन पे अच्छा लगता है। ए इज करेक्ट दोस्तों, ए इज करेक्ट। अच्छा उड़ान किस किसने बोला था? उड़ान बोल दिया गया, उड़ान हो रहा है तो उड़ान। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। फेम ओके, याद रखिएगा एसएससी जेई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फेम प्रोग्राम इज टू प्रमोट हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, याद रखिएगा याद रखिएगा। उड़ान प्रोग्राम इज टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया, दोनों याद रखिएगा यार। बाकी भी मुझे लिखना चाहिए था, चलो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा इन दोनों का भी, ठीक है। इन दोनों का नहीं डाला है ना, इन दोनों को मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, इनका क्या कनेक्शन है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ठीक है। मोहन भाई जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं बोल नहीं सकते कुछ भी, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कुछ भी नहीं बोल सकते। मुझे तो लग रहा है ये जेईई भी पोस्टपोन होगा। आपको पता है मैं एमपी में रहता हूँ, वहां पे लॉकडाउन लग गया। आपको पता है, किसी को पता है एमपी में रहता है कोई या एमपी की किसी को जानकारी? यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है दोस्तों, जितनी भी मेजर सिटीज हैं भोपाल इंदौर और जबलपुर तीनों में लॉकडाउन लग चुका है। संडे बंद है, रात में 10 बजे के बाद भी बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है, मुझे आपकी सिटीज का नहीं पता है बट मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ संडे कंप्लीट लॉकडाउन है और रात में 10 बजे के बाद पूरा लॉकडाउन हो गया, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते अभी टेंटेटिव डेट्स की, मैं कुछ बोल दूं पता चले नहीं हो तो फिर आप बोलोगे गाली दोगे, ठीक है। हमारा काम एक ही है, क्या? पढ़ाई। हमारा काम है पढ़ते रहो, ठीक है, जो होगा सब बराबर है उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज फॉर सम कंट्रीज टू आर्टिफिशियली रिपन फ्रूट, ऐसा इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है आर्टिफिशियली रिपन फ्रूट बनाने के लिए कुछ कंट्रीज में? चलिए बताइए, चलिए बताइए फटाफट दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना पीडीएफ के लिए, फिर बाद में मत बोलना पीडीएफ नहीं मिली, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप, ये रहा नीचे मेरा नाम और बाद में पीडीएफ, ठीक है। चलिए चलिए, और विथ रीजन मैंने सारी चीजें दी है, चलिए फटाफट। अनुष्का जी ने इस बार सबसे पहले आंसर दिया है, अनुष्का जी इस बार सबसे पहले आंसर दिया, इस बार अनुष्का जी ने सबसे पहले आंसर दिया, उसके बाद मिश्रा जी, उसके बाद अनुज भाई बोल रहे हैं नो आइडिया, श्रुति जी बोल रही है डी। चलिए देखते हैं, टी डी नो आइडिया। और कोई, और कोई कुछ आसपास का पता है किसी की प्रॉपर्टीज के बारे में? कुछ पता हो तो, किसी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो तो। चलिए सी 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 की तरफ जा रहे हैं, सी इज करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बाइड इज यूज टू आर्टिफिशियली रिपन फ्रूट, याद रखिएगा अगली बार से। कोई मुझे कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला बता दो, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला बता दो। बिल्कुल सही, क्या बात है यश भाई, तालियां बजनी चाहिए। ऐसे भी चीजें बताओ, किसी को कोई एडिशनल चीज हो तो बताओ, ठीक है। किसी को पता हो एडिशनल चीजें तो ऐसे बताया करो, नॉलेज बढ़ता है, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। हालांकि ये मुझे पता था, मैं बोलने वाला था थोड़ी देर में, बट ठीक है, अच्छी बात है। चलिए चलिए, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला नहीं बताया अभी तक किसी ने, किसी ने नहीं बताया, बहुत अफसोस की बात है। चलिए एक ने तो बताया, ये गलत बात है दोस्तों, ये पता होना चाहिए यार, ये बहुत बेसिक चीज है दोस्तों। सिर्फ दीपम शाह जी ने बताया, आप सब बता रहे हैं, अब मैं कैसे मानूं किसका सही, किसको याद था, किसने कॉपी किया? याद रखना सभी को, ठीक है, याद रखना है कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला, ये मत बोल देना गलती से, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, है ना, CaC2, है ना। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, चलिए बता दीजिए। अच्छा चलिए, हमारे यहाँ लॉकडाउन है इसलिए लेट आ रहे होंगे, चलिए खैर। चलिए, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कम ऑन टेल मी मेटल ऑक्साइड के लिए, रिडक्शन के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? भैया बचपन में पढ़ी थी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पढ़ी थी बचपन में सभी ने यार, अभी भी देखो लाइक नहीं हो रहा है, गलत बात, दुख हो रहा है मुझे इस चीज का, मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मतलब क्वेश्चन अच्छे नहीं है। चलिए देखते हैं, हाँ जी अनुष्का जी ने आंसर दे दिया। हीटिंग। चलिए एक को कंफ्यूजन है, बाकी हीटिंग बोल रहा है। यस, मोस्ट कॉमन मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्सीडाइज इनटू मेटल इज हीटिंग, क्लियर है, ए इज करेक्ट। चलिए बढ़िया। अच्छा क्या लगता है, ऐसा कोई है जिसने अभी तक
मतलब सिर्फ एक या एक गलत दिया हो बाकी सारे सही दी हूं, ऐसा कोई बंदा है? जितने भी क्वेश्चन किए सिर्फ एक ही गलत हुआ, ऐसा कोई है? अच्छा बताओ किसके कितने गलत हुए? कोई कर रहा है सेल्फ एवेल्युएशन? बेटा मैं बोल रहा हूँ तो एवेल्युएट करो यार प्लीज। किस लिए? कोई यहाँ पे अवार्ड नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं क्लास कल ही अनअकैडमी ऐप पे लाऊंगा। क्यों पता है यार? अपने आप का एवोल्यूशन होना चाहिए कि आज 2 गलत हुए, कल चलो आज 10 गलत हुए बाई चांस, कल इससे कम होंगे क्या? एवोल्यूएट करो अपने आप को, ठीक है? सर एक बात बताओ सर, नॉलेज अपने आप कैसे बढ़ेगा? नॉलेज नहीं बढ़ेगा। कोई कोई आंसर हमें पता होते हैं, कोई कोई आंसर हमें पता होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम जल्दबाजी में आंसर देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ठहराव के साथ आंसर दो, यही सीखना बहुत जरूरी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 सर 3 गलत हुए हैं, चलिए अच्छी बात है, चलिए ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे कल क्लास लेते हैं, कल देखते हैं कल कितने किसके गलत होंगे, सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्या बात है, यश भाई का एक ही गलत हुआ और एक का आंसर नहीं दिया, चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये भी एक कला है कि आप लीव कर दो, अगर नहीं पता तो मन में सोच लो कि यार मैं होता तो ये तुक्का लगाता बट लीव कर दिया, ठीक है? चलिए खैर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेटियोर क्रशिंग इनटू अर्थ ड्यूरिंग द पेशोटिक एपोक। चलिए थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बट इसका आंसर मुझे पता था, मैंने पढ़ा था ये क्वेश्चन, मैंने पढ़ा हुआ है। अब आपको आपको देखना है आपने पढ़ा है कि नहीं। मैंने पढ़ा है जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ाई कर रहा था तब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। चलिए देखते हैं। अनुष्का जी मिश्रा जी बोल दिए दोनों, नानी लेक, नानी नहीं है नैनी है, एन ए एन ए आई एन आई है, नानी की याद आ रही लग रहा है इनको, नानी नहीं है नैनी है वो, एन ए आई एन ए। चलिए डी 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 डी, नो आइडिया भैया, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे तब पढ़ना पड़ेगा। लोनार लेक इज करेक्ट, लोनार लेक वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मेट्योर क्रेशन इंटू अर्थ ड्यूरिंग द पैलेस्टिक एपोक, ठीक है? याद रखिएगा इसको, ठीक है? इंजीनियरिंग सर्विसेज में पढ़ाऊंगा हालांकि। अच्छा कल का आपने लेक्चर नहीं देखा इंजीनियरिंग सर्विसेज के, कल मैंने पॉल्यूशन के 3-4 क्वेश्चन दिखाए आपको, जेई में आए हुए, ठीक है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये करिए गुड क्वेश्चन अगेन, मैं प्रीवियस ईयर में भी सारे नहीं लाता हूं, मुझे जो अच्छे लगते हैं मैं लाता हूं। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस फाउंड। इसका किसी को आइडिया है? सबको नहीं होगा इसका आइडिया, मुझे पता है इसमें आप तुक्के ही मारोगे। चलिए देखते हैं कितनों को पता है। चलिए देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। काइटो वाला नहीं, 2-3 थे, एक ग्रीन हाउस वाला भी था, गैसेस वाला, अगर पूरा वीडियो देखा है तो। चलिए चलिए खैर खैर इस क्वेश्चन को करते हैं फिलहाल। आंसर बताओ जल्दी से इसका। एट एट बोल रहे हैं, अनुष्का जी डी बोल रही हैं। तुक्के मार रहे हो कि कुछ आइडिया है? तुक्के मार रहे हो कि आइडिया है? चलो खैर देखते हैं, अब देखते हैं भैया आंसर। 30 करेक्ट आंसर, जिन्होंने 8 बोला है, अनुज भाई तो आज मतलब फॉर्म में है। क्या बात कर रहे हैं अनुज भाई, आप डिप्रेस थे यार, आप तो गजब खेल रहे हो यार, हैं? कौन बनेगा करोड़पति में होता तो करोड़ जीत गए होते। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 8 इज करेक्ट आंसर, ओके, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा। चलिए खैर अगला क्वेश्चन, Fe2O3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन आयरन ओर कॉल्ड। अरे बड़ा इजी है यार ये तो, ये इजी है दोस्त, ये दोस्त दीजिए। चलिए यश भाई सही आंसर है आपका भी, यश भाई का भी सही है। ये सबका बनना चाहिए यार, ये चाहता हूं कि 100% लोग सही दें। किसका ओर है? ओर मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं क्या हिंदी में? अयस्क बोलते हैं क्या हिंदी में? अयस्क क्यों दोस्तों? ओर को अयस्क बोलते हैं कि मतलब अयस्क ही बोलते हैं जहां तक मुझे याद है हिंदी में, जिससे निकलता है वो मेनली अयस्क ही बोलते हैं, ठीक है? Fe2O3 Fe2O3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन आयरन ओर कॉल्ड। चलिए बताइए, जल्दी बताइए फटाफट आंसर बताओ भैया, इतना टाइम 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 नहीं लगना चाहिए। अनुष्का जी का आंसर आ गया है, अनुज पटेल सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। लेट सी द आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट, नॉट अ सी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, मैग्नेटाइट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, हेमेटाइट इज करेक्ट आंसर। इसकी मैं एक काम करूंगा, आपको टेबल दे दूंगा पूरी, ठीक है? टेबल प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? याद रखो यार इस चीज को। अच्छा ये इसका फॉर्मूला नाम तो बताओ मुझे कोई, Fe2O3 का नाम तो बताओ कोई, Fe2O3 का नाम तो बता दो। सी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर,
Fe2O3 का कोई नाम बताएगा कि नहीं? क्या नाम है इसका? केमिकल नेम बताओ, केमिकल नेम बताओ फटाफट, तक मैं अगला क्वेश्चन। चलो, ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज, ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है ग्रुप 15 की पीरियोडिक टेबल, किसी को पता है? किसी को पता है? अपना Fe3 थोड़ी था, अपना तो Fe2O3 था दोस्त। हाँ वो सही है, वो सही बोल रहे हैं आप, उसका है। यस 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 यस, करेक्ट 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 करेक्ट। Fe2O3 इज आयरन ऑक्साइड दोस्तों, या फेरिक ऑक्साइड बोलिए, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इज करेक्ट, फेरिक ऑक्साइड इज करेक्ट, फेरिक ऑक्साइड इज करेक्ट। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इस पे आ गए थे हम। यस, सी की तरफ जा रहे हैं कुछ लोग, सी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, कुछ डी की तरफ गए हैं। सी 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 सी, चलिए ओके, सी इज करेक्ट, क्या बात है, केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी। पर्सनली मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, केमिस्ट्री में वीक था मैं थोड़ा सा एज कम्पेयर टू फिजिक्स। फिजिक्स बहुत प्यारी थी मुझे, मतलब फिजिक्स में काफी अच्छे नंबर भी आए थे मेरे, है ना, और बोर्ड में तो बहुत अच्छे नंबर आए थे ट्वेल्थ में, बट केमिस्ट्री बहुत लुमसुम लगती थी मेरे को, बहुत कुछ था यार केमिस्ट्री में। ज्यादातर चीजें तो ऐसी थी एक्सेप्शनल हो रहा है, रट रहे हैं, कोई साइंटिफिक चीजें समझ नहीं आ रही थी और ट्रिक से याद कर रहे थे। आप लोगों ने भी करी होगी कुछ भी ट्रिक, और इसकी गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल याद कर ली, IUPAC नेम। और सबसे ज्यादा दिक्कत ही आती थी, आप पूरा पढ़ लेते थे फिर बोलता था नहीं इसमें कमियां हैं, तो इसके बाद ये आई। मुझे ज्यादा यार मजा नहीं आया केमिस्ट्री पढ़ के, और जिनका फेवरेट है केमिस्ट्री में उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे उतना मजा नहीं आया केमिस्ट्री पढ़ के, है ना, ठीक है। मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, फिजिक्स आज भी अच्छी लगती है, केमिस्ट्री उतनी पसंद नहीं है मुझे। चलिए आगे बढ़े भाइयों, आप थोड़ी सी ज्ञान की बातें करी मैंने, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लीजिए, थोड़ा सा अब बहुत हो गया GS, थोड़ा सा बढ़ते हैं एप्टीट्यूड की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा एप्टीट्यूड करते हैं। चलिए हाँ, एक्सेप्शनल एक्सेप्शन तो थे ही, और प्लस एक ने भैया रूल बनाया तो उसको पढ़ क्यों रहे जब वो गलत है यार, उसको फिर दूसरे को तीसरे को इस तरीके से बहुत IUPAC पढ़ा, और कुछ ज्यादा जमी नहीं हमें केमिस्ट्री। खैर अपनी अपनी सोचने की सख्त वो होता है। खैर अगला क्वेश्चन करिए, उस रूल ही नहीं चलते थे उसमें तो। खैर एल आ रहा है, क्या बात कर रहे हो यार, एल आ रहा है क्या? चलिए देखिए आंसर दीजिए सभी लोग। कुछ लोग ए की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग सी की तरफ जा रहे हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या है इसका आंसर देख लेते हैं इसका एक बार। चलिए देखते हैं, इज करेक्ट आंसर दोस्तों, इज करेक्ट। क्या +5, पढ़ाई आसान था, वही बात कल एक चीज समझाई थी मैंने, ABCD लिख लो, ABCD लिख लो, है ना, EFG, है ना, ठीक है। और उसके बाद देख लो ये 16वें नंबर पे, उसके बाद 5 ऐड करो 21वें पे, ये 26 ऑब्वियसली बात जेड पे पता ही है, फिर 5 ऐड करो, फिर 5 ऐड करो, इस तरीके से। अच्छा सबसे आयरनी ये थी कि जो नए बिल्कुल लेटेस्ट रूल है वो पढ़ने ही नहीं है, पढ़ रहे हैं हम कौन से 90-80 और 18-18 ये वाले पढ़ रहे हैं, जो अभी के हैं वो तो पढ़ने भी नहीं है, है ना। चलो खैर क्या कर सकते हैं, यही तमाम सिस्टम है, सेम गोज फॉर इंजीनियरिंग। चलिए तो यस, इजी क्वेश्चन, अगला करिए, दिस इज गुड क्वेश्चन दोस्तों, दिस इज गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो सभी लोग। 8 दोस्त हैं PQRST UV and W आर सिटिंग काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के अराउंड ऐसे बैठे, ऐसे क्वेश्चन मैंने कुछ कराए हैं अगर रात की क्लास अटेंड करिए तो। इन द सेम सीक्वेंस एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इफ क्यू इज सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देन इन विच डायरेक्शन इज वी सिटिंग। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, अभी वक्त है बेटा, अभी 15-20 मिनट और पढ़ना है, खैर आपकी मर्जी, वैसे
बट अभी 15-20 मिनट और पढ़ेंगे अपन। चलो कर दो इस क्वेश्चन को फटाफट। क्या हुआ, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है कि मैं बताऊं? डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों आजकल एग्जाम के लिए, है ना। डायरेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल किसी भी, इवन गेट में आ रहे हैं, है ना। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आना चालू हो गए दोस्तों, है ना। चलिए आंसर बताओ इसका, किसी को नहीं पता इसका आंसर, सॉल्व कर रहे हो मेरे हिसाब से तो कर लो जल्दी सॉल्व करो इसको, जल्दी सॉल्व करो। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करो। फटाफट से सॉल्व करो भैया, क्या दिक्कत है, नहीं हो रहा है क्या? आठ दोस्त हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एंड अ सर्कुलर टेबल इन द सेम सीक्वेंस एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इफ क्यू इज सिटिंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ साउथ, अरे साउथ तीन में साउथ है, केवल साउथ बोल रहे हो क्या? एक बोल रहा है सी, एक बोल रहा है बी, समझ गया, एक सी बोल रहा है एक बी बोल रहा है। चलिए देखते हैं आंसर, आंसर देखते हैं। लास्ट 20 सेकंड दोस्तों, यार इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, बहुत टाइम दे दिया मैंने आप लोगों को। लास्ट 20 सेकंड दोस्त, लास्ट 20 सेकंड है दोस्त। चलिए चलिए इसका आंसर अब मैं देता हूँ, इसका आंसर ए ए, अरे रे सबका अलग अलग आंसर आ रहा है यार। बी इज करेक्ट आंसर, साउथ जिसने दिया वो सही है, ए बाकी सारे गलत है, साउथ वाले सही है। एट फ्रेंड है, देखो सबसे पहले तो हम यही बनाएंगे क्या, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, गुड क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके से बैठे हुए हैं अब बोला गया है क्यू जो है नॉर्थ ईस्ट में, क्यू कहाँ बैठा था, क्यू इज सिटिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट मतलब कौन सी होगी, ये वाली, यही बैठा होगा क्यू, हाँ या ना, ये बैठा क्यू, है ना। तो इसके साथ साथ देख लो अब कैसे बैठे होंगे, क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, ऐसे बैठे होंगे कि नहीं बैठे होंगे। ये पी ऑब्वियसली बात है भैया, क्यू के बाद यहाँ क्लॉकवाइज जा रहा है, यही है ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यही है ना, हाँ या ना, यही है क्लॉकवाइज की नहीं है। तो आर एस टी यू बी डब्ल्यू पी, अब पूछा किसका था, किसका था, वी का, वी का ही पूछा था ना। इन विच डायरेक्शन इज वी सिटिंग, वी कहाँ बैठा है, ये बैठा है एग्जैक्टली। सर एक बात बताओ, आपने कैसे मान लिया, यहां भी तो हो सकता है, यहां भी तो हो सकता है, कैसे? जैसे कुछ बच्चों ने आंसर दिया, कुछ बच्चों ने आंसर दिया साउथ वेस्ट भी तो हो सकता है। मेरे दोस्त यही तो भावनाओं को समझनी थी, कितनी चीज, कितने हैं लोग, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ लोग, आठ दोस्त हैं, आठ दोस्त हैं, बराबर बैठे हैं सर्कल पे, बराबर बैठे हैं सर्कल पे, बता दो कितने डिग्री का एंगल बनेगा हर हर किसी के बीच में, कितने की डिस्टेंस आएगी, उसमें एक चीज लिखी है डिस्टेंस। आई बात समझ में, भावनाओं को आठ को बराबर पार्ट में बांटेंगे, इस तरीके से ही बांट सकते हो आप। आई बात समझ की नहीं आई, ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बात समझ आई कि नहीं आई दोस्तों, इसी तरीके से आप बांट सकते हो आठ भागों में सर्कल को, आ गई या इक्वल डिस्टेंस बोला था, ये चीज भावनाओं को समझने वाली थी। नहीं तो सर आपने कैसे बोल दिया, यहां यहां भी हो सकता है, और ये थोड़ा यहां हो, ये थोड़ा यहां हो, है ना, बिल्कुल सही। आई बात समझ में, 45 डिवाइड करके देख लो कितना था, 8 डिवाइड करके देख लो, आई बात समझ में 45 डिग्री आ जाएगा भैया। आया समझ की नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था, इसलिए इतने चतुर हैं उन्होंने ये ऑप्शन भी डाला, ये ऑप्शन भी डाला, तो आंसर दिस इज नॉट करेक्ट, याद रखेगा, याद रखेगा, गुड क्वेश्चन, एसएससी जेई में आया, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करिए यार, ये तो इजी है, ऐसे क्वेश्चन अब कल से नहीं लाऊंगा, ये वाले ये इजी है, बन जाएंगे आप लोगों, मुझे यहां तक लगता है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं, एक घंटा हो गया, मजा आ रहा है कि नहीं, बोर तो नहीं हो गए? देखो जो पूरा लेक्चर देख रहे हैं ना उनको देखना कितना फायदा होता है, जो आधा देख रहा है उनको देखना, देखो कैसे, बट जो पूरा देख रहा है वो बताइएगा कैसे मजा आ रहा है, क्योंकि आपने हर प्रकार के क्वेश्चन कर लिए यार दोस्त, हर प्रकार के, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करिए यार, सेशन तो लाइक ठोको यार, बोलना क्यों पड़ता है, आने से पहले सबसे पहला काम यही होना चाहिए, अगर पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो, या जाने के पहले, है ना, आने के पहले नहीं, चलो जाने के पहले कर दिया, अगर है ना। चलो खैर अगला क्वेश्चन करिए, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर इन द गिवन सेट, चलो बता दो फटाफट, फटाफट बता दो भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल वही फील तो दे रहा हूं मैं, चाहता तो एक अलग पार्ट ऐसे ले आऊं कि आज पूरा यही हो, मैं पूरा फीलिंग दे रहा हूं,
जिसने एग्जाम दिया है वो समझ रहा है चीजों को। चलिए पूरा मिक्स है, पूरा मिक्स है। चलिए सी सी सी, चलिए सी की तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, सी की तरफ जा रहे हैं, एंड सी इज करेक्ट आंसर। बहुत हलवा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, एग्जाम का ही क्वेश्चन था। चलिए एग्जाम में आते हैं, क्या था, क्या था ये और इनके बीच में क्या 11 का इंटू हो रहा है, हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या बताइए। देखिए यही लिखा है, यहां कितने का हो जाएगा 12। सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गुड क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस, नहीं जनरल स्टडी बोलेंगे इसको, पर है ना, जनरल स्टडी बोलेंगे। अच्छा सिविल इंजीनियर्स को तो ये पता होगा, बाकी बच्चों को ये नहीं पता होगा, लेकिन सबको पता रखना। हम सिविल इंजीनियर नहीं है इसका मतलब हमें ये पता नहीं होना चाहिए, नहीं, ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट अ टेक्निकल क्वेश्चन, दिस इज अ जनरल स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं किस किस को पता है। ठीक है किसी को पता है इसका आंसर? डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, किसी को पता है? किसी को इसका आंसर पता है? जो लेट जुड़े हैं पूरा वीडियो देखना भैया, तभी आएगा मजा, अगर 100% चाहिए तो। चलिए अनुष्का जी ने बता दिया है आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके देखते हैं, देखते हैं, नो आइडिया सर जी, नो आइडिया। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, जो दूसरी ब्रांचेस के हैं। देखो क्या होता है, अगर कोई भी हमारा फिक्स्ड एसेट, मतलब एसेट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे कमेंट करें पहले। एसेट मतलब होता है जो हमारी पूंजी, एक तरीके से बोला जाए पूंजी, है ना। तो आपकी एसेट क्या है, फिक्स। हमारा जो घर है वो एसेट है, हमारी जो कार है वो भी हमारी पूंजी हो सकती है, हमारी जो जमीन है वो भी हमारी पूंजी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो डेप्रिसिएशन एसेट बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, डिटेल में डाल दिया यहां पे, बी इज करेक्ट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। ठीक है, तो ये है कि सुन लो यहां पे, ऑल द एरिया विच गेट कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल फॉर्म जो है, पूरा कैपिटल फॉर्म जो कर रहे हैं उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या 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 इंक्लूड करता है ये, लोन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट, लोन रिपेमेंट बाय द गवर्नमेंट, प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मैं हाइड हो जाता हूं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा, बट हाँ ये पता रखिएगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा फिर से हम आ गए, फिर से हम आ गए कहां, है ना, फिर से हम आ गए कहां, करंट अफेयर में। इसका आंसर बताइए, किसी को पता है? अभी रिसेंट का है ये, इसका आंसर किसी को पता है? मुझे पता था इसका आंसर, मुझे पता है, मुझे पता, किस किस को पता है बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर, किसी को पता है इसका आंसर? देखो करंट अफेयर कहीं से जन्म नहीं लेता है, हमारे आसपास ही होता है। ठीक है, ठीक है, ए चलिए देखते हैं, ए ए ए ए बोल रहे हैं, देखते हैं, ए डी, ए डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर, विजयवाड़ा एयरपोर्ट इज करेक्ट आंसर, नो ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, मुझे पता था, ये पता था क्योंकि हमारे साइड एक जगह है राजवाड़ा, ठीक है, राजवाड़ा, तो उससे मुझे याद है विजयवाड़ा, आप याद रख सकते हैं अग्निपथ से, वहां पे याद है कुछ ऐसी बाड़ा करके था। अगला क्वेश्चन करिए यार, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है, ये पता होना चाहिए। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर, विनेगर का फॉलोइंग कंपोनेंट इनमें से क्या है? यार ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों, कम ऑन यार, कम ऑन प्लीज यार, दिल मत तोड़ना मेरा, सभी को ये आंसर पता होना चाहिए। ये आंसर सभी को पता होना चाहिए दोस्त, दिल मत तोड़ना यार, दिल मत तोड़ दियो भैया। डी डी डी, और कहां पाया जाता है ये एसेटिक एसेट की बात कर रहे हैं जो आप, बाकी लोगों के आंसर क्यों नहीं है, इतना टाइम गूगल करने तो नहीं चले जाते हो? यस डी इज करेक्ट, और कहां पाया जाता है एसेटिक एसेट, कोई बताएगा मुझे एक और जगह है जहां एसेटिक एसेट पाया जाता है? चलो एक बात बता दो, कर्ड, दही में कौन सा एसिड होता है, दही में कौन सा एसिड नहीं सॉरी कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कर्ड, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से वो दही बनता है? चलिए
जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर, आगे बढ़ रहा हूं मैं। दही में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया होता है हमारे कर्ड में जिसकी वजह से वो कर्ड बनता है? कम ऑन टेल मी, टेल मी यार दोस्त, टेल मी। चलिए पता है, मतलब पता है, पता है, अच्छी बात है। चलिए पता है, ठीक है, सही है। यस 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 यस, सही है सही है सही है, लैक्टोबैसिलस इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, बाकी लोगों को नहीं पता है तो आज के बाद याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस याद रखिएगा, है ना। चलिए याद रखिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इन अप्रैल 2019 आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थड अ लाइफ साइज स्टिको सल्फर फ्रॉम अ बुद्धिस्ट साइट कॉल्ड फिनिगिरी इन बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु। मुझे पता है इन्हीं दो में आप कंफ्यूज होने वाले, पता है बी और सी में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे, देख लेना, देखते हैं किसको सही पता है, देखते हैं। भैया जिनका जीरो है वो यहां से अपना कुछ मेरी तरह बढ़ा सकते हो, ठीक है, नॉलेज, ठीक है। मैं भी, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का, ठीक है। चलिए बताइए बताइए आंसर बताइए जल्दी से, कम ऑन टेल मी दोस्तों, यार दिल मत तोड़ो, आंसर बताओ, दिल मत तोड़ो यार, आंसर बताओ जल्दी से। बाकी लोगों को नहीं पता क्या, बाकी लोगों को नहीं पता क्या? बाकी लोगों के आंसर नहीं आ रहा है यार दोस्त, कमॉन 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 कमॉन, जल्दी जल्दी। उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, नो आइडिया नो आइडिया नो आइडिया। चलिए कह रही है, मैं बता देता हूँ, यस बी इज करेक्ट आंसर। बी किसने बोला था, जिसने बोला वो सही है, कौन थे बी वाले, तेलंगाना इज करेक्ट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या है, एक्सवेट करते मतलब खुदाई करते हैं किन चीजों का, रेयर, जो बहुत यूनिक चीजें होती उनके बारे में, है ना। तो उन्होंने करके बताया था कहां पे, तेलंगाना में, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जानना है तो सुरपिस्ट करके कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, बुद्धिस्ट के बारे में था वो, ठीक है, याद रखिएगा। अब वो कितनी खुदाई करी थी इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन याद रखिए, बुद्धिस्ट वा बिलोंगिंग टू झटका चक्रा, ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द सल्फर इज द ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्टुको सल्फर अनएथर्ड इन, रखिएगा भैया इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला है, दो चीजें निकल के आ गई, लार्जेस्ट था अभी तक, अब पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन लार्जेस्ट था उस टाइम तक, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, याद रखिएगा इस चीज को, अभी तक का लार्जेस्ट था, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें निकल आई, ये चीज याद रखिएगा, कौन कौन से पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। यार वीडियो बफर हुआ क्या, वीडियो बफर हुआ क्या, या आप लोग थक गए हो, अब कमेंट नहीं आ रहा है मुझे, थक गए हो, थक गए तो तुरंत वीडियो बंद कर दूंगा मैं, थक गए हो, अगर थक गए हो तो वीडियो तुरंत बंद हो जाएगा। आगे पढ़ना है कि नहीं, और क्वेश्चन करने हैं, अभी तो एक घंटे ही हुआ है, 15 मिनट और पढ़ाने का सोच रहा हूं मैं, आप लोग बताइए और पढ़ना है कि नहीं, और क्वेश्चन लगाने हैं कि नहीं, अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं, और क्वेश्चन लगाने हैं, थके तो नहीं हूं, एक मिनट का रेस्ट ले लें क्या, एक आध दो मिनट का रेस्ट लेना, पानी वानी पीना तो पी लो, पानी वानी पी लो भैया, पीना है तो एक मिनट का रेस्ट ले लो, फटाफट ले लो जल्दी से रेस्ट, थोड़ा सा इसको पानी वानी पीना, मैं भी पी लेता हूँ, ले मेरा पानी तो खत्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, इसके पहले पानी वानी जिसको पीना पी लो, जल्दी पी लो पानी, है ना, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, 15-20 मिनट और पड़ेंगे अभी, ठीक है। चलो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप याद रखिए, ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, नीचे लिखा हुआ मेरा नाम, मेरा नाम और चौबे मतलब अनुज, स्पेस देना चौबे, स्पेस देना पीडीएफ, आप जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत है मुझे आप मैसेज कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, ओके 7415065। चलिए हो गया एक मिनट का रेस्ट, चलिए 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 आगे बढ़े, एक मिनट तक रेस्ट कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
चालू हो जाओ, क्वेश्चन करना चालू कर दो, जो आ गए रेस्ट लेके ब्रेक लेके। Which of the following phenomena is responsible for Coriolis force? कौन है भैया इनमें से, किसी को पता है? बफर हुआ था थोड़ा, चलिए अब ठीक है, अब तो नहीं है बफर, अब तो नहीं है बफरिंग, अब तो बफरिंग नहीं है ना। बी डी में लड़ाई हो रही है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, दोनों में फर्क है। देखो अब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं रिवोल्यूशन और रोटेशन, दोनों में फर्क है दोस्तों। ये अराउंड इट्स एक्सिस लगा रहा है, ये अराउंड द सन लगा रहा है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, प्लीज यार कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आंसर अभी हम डिस्कस करते हैं, एक बार और पढ़ो क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर करो। चलिए 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 जल्दी से, ठीक है हो गया। डी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, डी इज करेक्ट, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अराउंड ही रोटेशन करता है, डी सही है। बी यश भाई ध्यान रखो गलत आंसर है, ठीक है, बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, रेवोल्यूशन इज नॉट करेक्ट। जैसी ऑप्शन देखे फटाक से आंसर देने की कोशिश मत करो, परफेक्शन में बिलीव रखो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लोगे अभी चलेगा, टाइम हम बाद में मैनेज कर लेंगे, टाइम पे काम करेंगे, अभी हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, गलत आंसर देने से बचना है। ओ हाँ लगा ही था मुझे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है आंसर सही आना चाहिए। जिनमें क्वेश्चन कंफ्यूज है उनमें स्पेशली ध्यान रखें कि आप सही टिक करें कंफ्यूज होने के बाद भी, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करें कि कैसे एलिमिनेट कर पाए। चलिए नेक्स्ट, ओके, इसकी थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल भी डाल दी है, आप देख लीजिएगा। कोरिलियर फोर्सेस होता क्या है, इनिशियल इनर्शियल फ्रेस और फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, याद रखिएगा, इनर्शियल और फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। कहाँ एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन, जिस जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसमें लगता है, ठीक है, किसके रेफरेंस में, जिसके रेफरेंस में वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसके रेफरेंस में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम इज वेल नोन एज द हैबिटेट ऑफ डॉल्फिन्स। चलो इसका आंसर बता दो, इनमें से कौन सी रिवर जो हैबिटेट है डॉल्फिन के लिए, कम ऑन टेल मी दोस्तों, इंडस रिवर्स में से बताना, इंडस रिवर सिस्टम में से, पता है किसी को, पता है किसी को, कम ऑन टेल मी दोस्त, कम ऑन टेल मी। In India, which of the following river of the Indus river system is well known as the habitat of dolphin? चलिए देखते हैं। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट। ए, ए बोल रहे हैं भैया, देखते हैं। बी सतलज इंडस चिनाब, देखते हैं बाकी लोगों के आंसर, कम ऑन टेल मी, SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ए ए ए ए यस, इज करेक्ट आंसर। अच्छा डॉल्फिन अगर है इसका मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा है, डॉल्फिन आर इंडिकेटर ऑफ व्हाट हेल्दी रिवर सिस्टम। ये पता था, नहीं पता था तो अब याद रखिएगा, आपको PDF मिलेगी, है ना, याद रखिएगा भैया, किसमें याद रखिएगा, डॉल्फिन आर एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी रिवर सिस्टम। India is one of the few country in the world that has two freshwater dolphin series. Okay, the Gangatic River, जो कि अनुष्का जी ने बोला बहुत बढ़िया, and the Indus River dolphin. Okay, याद रखिएगा, ठीक है, उनका आंसर सही था, बट गंगा इज नॉट अ, मतलब इसमें था नहीं, ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो इंडिया में दो ऐसी रिवर हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन आर फाउंड इन द इंडस रिवर सिस्टम एंड द बीज रिवर एंड इज देयर ओनली हैबिटेट इन द कंट्री, ओनली हैबिटेट, याद रखिएगा भैया, ओनली हैबिटेट है, याद रखिएगा भैया इस चीज को, याद रखोगे अब, इसमें मुझे 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए,
इसलिए तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन को मत पढ़ो, उसके आसपास की चीजों को पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म जेब्ड ZABT रिफर टू इज व्हाट? ये ZABT किसको रिफर करता है बताइए, रेवेन्यू, पुलिस, जुडिशियल और मिलिट्री? क्लीन रिवर वॉटर बीज में है कि इंडस रिवर में? क्लीन रिवर वॉटर बीज में है कि इंडस में? समझा नहीं मैंने क्या बोला इन्होंने, क्या बोला मैं समझा नहीं। अगर डॉल्फिन जो बता रहा है, डॉल्फिन सिस्टम, डॉल्फिन का वो हेल्दी रिवर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मैं समझा नहीं क्या बोला है, क्लीन रिवर वॉटर बेस में है कि इंडस रिवर में? अगर हैबिटेट की बात करी जाए तो बेस रिवर की बात करेंगे, ये बोल रहा था मैं और कुछ नहीं। ठीक है चलिए इस क्वेश्चन को कर रहे थे। रेवेन्यू बोल रहे हैं, रेवेन्यू इज करेक्ट और नॉट, चलिए देखते हैं रेवेन्यू इज करेक्ट और नॉट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द जब ZABT रिफर टू द यस, ए इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, इनको पता था, बिल्कुल सही। ठीक है देखो ये थोड़ा थोड़ा आएगा जब, है ना। अब यार ऐसे इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैं मतलब मैं होता तो इंडस रिवर, इंडस 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 लिखा तो था इंडस, अभी मैं पीछे जाऊंगा फिर से बता दूंगा, इंडस इंडस इज करेक्ट। डॉल्फिन बेस्ड सिस्टम दो बताए तो थे आपने, ध्यान से नहीं देखे। डॉल्फिन बेस्ड सिस्टम देखिए दो जगह है, द गंगाटिक रिवर डॉल्फिन एंड द इंडस रिवर डॉल्फिन। ठीक है ठीक है, लिखे हैं दोनों, PDF में मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है यहां पर आपको ये समझ में आ गया, जब रेवेन्यू सिस्टम गेव मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, किसने दिया, किसने दिया, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया। मीन्स टू इम्पोज हाइयर टैक्सेस बाय इंटेंसिफाइंग इंपायरल कंट्रोल ओवर रूरल सोसाइटीज। ठीक है मुगल ने दिया था हाई टैक्सेस के लिए, याद रखिएगा। ठीक है और भी बहुत सी चीजें हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है पढ़ लीजिएगा इसको, देखो भैया यही मजा है, क्वेश्चन बस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के आसपास की चीजें ही पढ़ रहे हैं, कभी कोई पूछ ले तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। इमरजेंसी नंबर फॉर इमीडिएट असिस्टेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रेस ऑपरेशनल एज ऑफ अप्रैल 2019 का क्वेश्चन था एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज, कितनी है बताइए। किसी को इसके आइडिया है? खैर ये नहीं होगा तो चलेगा क्योंकि ये उस टाइम का क्वेश्चन था, मैं अब अपडेशन हुए होंगे इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से बचता हूँ ऐसे क्वेश्चन में लाने से। खैर इसको भी स्किप कर दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये 2019 के बारे में बात हो रही है, अब अपडेट हो गया होगा तो इसको स्किप करिए, अभी स्किप करते हैं। चलिए करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी? गुड क्वेश्चन, ये करो, उसका आंसर डी ही था, यस सही, डी इज करेक्ट, बट इसको अभी छोड़ सकते हैं आप, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि 2019 के बेस पे था, ये करो, गुड क्वेश्चन। डेंसिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, चलो कर दो फटाफट, फटाफट कर दो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो फटाफट से, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो फटाफट से, जल्दी कर दो यार, कम ऑन भैया, टेल मी आंसर, बताओ, नहीं बताइए क्या बात कर रहे हो यार, गलत बात है, गलत बात है, पता होना चाहिए, डेंसिटी के हिसाब से नहीं पता है किसका ज्यादा घनत्व है, कौन ज्यादा डेंस है, चलिए नहीं पता है तो आज जान लीजिए। अच्छा किसी को पता है सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा पता है किसका है, नहीं पता है, चलिए मैं बता देता हूँ, सबसे ज्यादा देख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, भैया देख लो, ए ए ए इज नॉट अ करेक्ट आंसर, डी ऑल्सो इज नॉट अ करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट, ओके सी इज करेक्ट। ठीक है इसको हमने कल यार याद नहीं है क्या यार, यार कल याद नहीं है यार, कल याद, हाँ ठीक है बता देता हूँ, बता देता हूँ इमरजेंसी नंबर बता देता हूँ यार, कल किसी को याद नहीं हमने जाइंट्स किसको बोला था, कल याद है कि नहीं याद है, किसी को याद है जाइंट्स किसको बोला था, किसको बोला था, है ना। ठीक है तो भैया आप देख लो, यूरेनियस, जुपिटर एंड नेपच्यून, यूरेनियस जब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, कम होती जा रही है, ठीक है ठीक है, बताइए Yes or no? Come on, tell me. Come on, tell me. चलिए अब इमरजेंसी नंबर देखना है, बता देता हूँ उसको भैया फटाफट से, इमरजेंसी नंबर ये लीजिए, ये लीजिए,
डी इज करेक्ट आंसर, 112 इज करेक्ट, आप लोगों ने जो बोला था शायद 112 इज करेक्ट, ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है, ठीक है 112 इज करेक्ट आंसर जिनका था, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था बट आप बोल रहे हैं तो कर देता हूँ, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। हाँ यस, जुपिटर को बोला था, बिल्कुल सही, ये रिवाइज भी हो गया, बिल्कुल सही, जाइंट हमने कल जुपिटर को बोला था, ये भैया पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन मत लेना, पढ़ लेना, ठीक है, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, बिल्कुल टेंशन चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, हमने कल जुपिटर को बोला था, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर डेंसिटी के बेसिस पे बोला जाए, नेपच्यून इज द डेंसेस्ट ऑफ एनी ऑफ द जाइंट, सबसे ज्यादा, ठीक है, अगर डेंसिटी बेसिस पे बोला जाए, ठीक है, अगर लिखा है तो वैसे नहीं आएगा, हाँ, बट डेंसिटी के आधार पर याद रखिए, यूरेनियस की कम, उससे ज्यादा जुपिटर और सबसे ज्यादा नेपच्यून। चलिए सी इज करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिज्म नोन एज बेंथोस, ये पता होगा सबको, ये सबको पता होगा, ऑर्गेनिज्म नोन एज बेंथोस आर कॉमनली फाउंड, बताओ इसका आंसर, ये पता होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को, ये पता होगा, हाँ जी आंसर है इसका, पता कि नहीं, इसका आंसर पता है कि नहीं, नहीं पता, अरे कोई बात नहीं। अच्छा, अनुज ने एक क्वेश्चन पूछा था, अनुज भाई ने कमेंट में, कि हाउ टू प्रिपेयर लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर, मेरी गारंटी है पूरा करा दूंगा, बस आपको साथ देना पड़ेगा, पूरा करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, ठीक है मेरे पास है, ठीक है मेरे पास है, ठीक है पूरा, मतलब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कवर करा दूंगा, और एक ही जगह अगर करंट अफेयर मिल जाए तो कितनी अच्छा लगेगा, ठीक है मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है जितना हमारे लिए जरूरी है उतना मैं करा दूंगा, सफिशियंट, ठीक है, बस आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। यार ये नहीं पढ़ा, बेंथोस नहीं पढ़ा है क्या, क्या बात कर रहे हो यार, डी इज करेक्ट आंसर, किसी ने दिया क्या, मोहन भाई ने दिया है, मोहन कुमार, मोहन से मुझे एक मूवी याद आ गई, स्वदेश, वहां पे नाम था शाहरुख खान का मोहन भार्गव। चलिए, बेंथोस ये मुझे पता था, पता नहीं आपको क्यों नहीं पता है, द असेंबलीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहेबिटिंग द सी फ्लोर, सी फ्लोर की बात होती है इसमें, ठीक है याद रखिएगा, ठीक है, और कहां पे, इन द अपर लेयर ऑफ एन ओशियन और सी फ्लोर, नहीं सी इज नॉट करेक्ट आंसर, सी इज नॉट अ करेक्ट आंसर, सी इज नॉट अ करेक्ट, ए सी इज नॉट, जिसने ही बोला डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है कहां पे होता है, सी फ्लोर, कहां है सी फ्लोर, याद रखिएगा बेंथोस, यार ये तो पता होना चाहिए, पढ़ा होगा बचपन में यार बेंथोस, तो पता नहीं आपने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। और द टर्म बेंथोस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग, आजकल एक तो हर चीज ग्रीक से आती है, डेप्थ ऑफ द सी, मतलब होता है बेंथोस का मतलब होता है डेप्थ ऑफ द सी, याद रखिएगा कभी कोई बोले तो, डेप्थ ऑफ द सी, लेकिन मैं कराऊंगा तभी, लेकिन जब मैं कराऊंगा, लेकिन मुझे चाहिए आप लोग सभी साथ में, सभी लोग साथ में चाहिए तब, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं करा पाऊंगा यार दोस्त, नहीं तो कैसे कराऊंगा, है ना, पता चले कि आप लोग मेरी मेहनत, क्योंकि मेहनत कितनी लगेगी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे लाना पड़ेगा, फिर उसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी, पीपीटी बनानी पड़ेगी, फिर आपके पास आना, तो उसकी मतलब यही चाहता हूं कि आप लोग बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन, गुड क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन दोस्तों, वी हैव टू नो दिस, वी हैव टू नो दिस, वी हैव टू नो दिस दोस्तों। चलिए लास्ट तीन क्वेश्चन और करेंगे आज बस, लास्ट तीन क्वेश्चन, ठीक है बाकी कल करेंगे, वी हैव टू नो दिस दोस्तों, कम ऑन टेल मी, इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन, कम ऑन टेल मी, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, मेल सेक्स हार्मोन का प्रिंसिपल किससे आता है इनमें से। चलिए बहुत बढ़िया दीपम साहब, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, यस सी इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, मैं यही चाहता था कि किसी का भी गलत ना निकले। अब ये देखिए पूरा मैंने इसमें डाल दिया, अब बताओ कोई आंसर किस, आपने अगर कहीं पढ़ा भी है इतने डिटेल में कहीं पढ़ा है क्या, पूरा मैंने डिटेल में डाल दिया, आसपास की सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या बोलते हो दोस्तों, है कि नहीं, आंसर पता था लेकिन पूरा डिटेल में लो भैया, इसका पूरा वो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, एफ एस एच क्या होता है, अनुज कुमार जी एक FSH, ये यार मैंने पढ़ा है, रुक जाओ मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं फिर मैं बात करता हूँ, FSH
पढ़ा है ये मैंने। चलिए ये देख लीजिए पहले तो ये देख लीजिए सबसे पहले तो भैया इसकी अगर मैं बात करूं तो, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ एफएसएच की बात कर रहे थे यार, जहां तक मुझे याद है एफएसएच प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जहां तक मुझे याद है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। गर्ल्स तब कुछ आई एम नॉट प्रेटी श्योर, बट एस तो हार्मोन है और ये कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है दोस्तों, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई एम नॉट प्रेटी श्योर बट पोलिस स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बाप रे बाप, दीपम सार तो भैया बिल्कुल क्या बोलते हैं गर्दा फाड़ दिए, क्या बात कर रहे हो यार, तो क्लास खत्म करते हैं भाई। रोहित शर्मा अच्छा खेल रहा है, मेरा फेवरेट है ना, मजाक कर रहा हूँ, दो क्वेश्चन करेंगे। यस दीपम सर सही बोल रहे हैं, बट ये दीपम सर मैं सही बोल रहा हूँ क्या, अगर आपको किसी को आइडिया बताना ये प्रेगनेंसी से कुछ रिलेटेड है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे इतना याद है कि मैंने FSH मतलब नाम सुना है, एक्चुअली जब मैं अपने लिए पढ़ रहा था तो ये सारी चीज मैंने पढ़ी है, ये शायद सही कह रहा हूँ क्या। ओके मैम, मतलब फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, एच हार्मोन है बट इतना याद है स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है दीपम सर इज करेक्ट, दीपम सर इज करेक्ट, यस है ना। तो याद रखिएगा भैया एक नई चीज सीख ली, फॉसिल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, कभी देखेंगे इसके बारे में कुछ। हाँ फिलहाल हम यहां थे, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर दो जल्दी से, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों। आई वॉन्ट एवरी वन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके मुझे मतलब मुझे कुछ इसका आइडिया था, आसपास था मैं, बट आई एम नॉट प्रेटी श्योर, इसलिए मैं नहीं बोला, क्योंकि मुझे 100% श्योर होना पड़ता है तभी मैं बोल सकता हूँ। हाँ बट मुझे आइडिया था ये कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड था। चलिए खैर अगला क्वेश्चन करते हैं, 21st क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए बताइए किसी को इसका आंसर पता है, किसी को इसका आंसर पता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इक्वली पे फॉर इक्वली वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इक्वली जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। चलिए अनुष्का जी ने सबसे पहले आंसर दिया इसका, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और कोई बताएगा, और कोई बताएगा, और कोई बताएगा इसका आंसर। कमॉन टेल मी, कमॉन टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। एक एक बच्चे से आंसर चाहिए, एक एक बच्चे से आंसर चाहिए भैया मुझे तो यार। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, ऐसी बात मत करो यार अनुज, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरा फेवरेट है वो, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम लोग है ना। खैर चलिए भैया यार ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। उसने बोला था कौन सा इंक्लूड नहीं है, कौन सा इंक्लूड नहीं है। बहुत बढ़िया मोहन कुमार जी, बढ़िया जा रहे हो, ए इज करेक्ट आंसर। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट मींस ये तीनों इंक्लूडेड है, दो क्वेश्चन बन गए, इक्वली पे टू इक्वली वर्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लैंड। इसके बारे में तो हम तीनों को श्योर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये तीनों इंक्लूडेड हैं स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर लें, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर लें, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कर लें। तैयार हो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे माय फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। बाप रे बड़ा खतरनाक आ गया, मुझे सही बताऊं बायोलॉजी में कोई दिलचस्पी नहीं है, है ना, पढ़ी नहीं है इसलिए दिलचस्पी नहीं है। चलिए आंसर बताइए, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज व्हाट, ह्यूमन किडनी इज व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसी को पता है, किसी को पता है इसका आंसर, कोई बताएगा मेरे लिए इसका आंसर कि नहीं पता, किसी को इसका आंसर पता है। अनुष्का जी को पता है शायद, नहीं दीपम साजी अलग बोल रहे हैं, लेकिन दीपम साजी ने जिस तरीके से एफएएस का फुल फॉर्म बताया, अगर बिना गूगल करे, जो कि मुझे उम्मीद है बिना गूगल करे ही बताया होगा, तो मतलब वो सही है, देखते हैं कौन सही है। यश भाई ने भी बता दिया, अनुष्का जी ने डी बोला था, चलिए देख लेते हैं। यस क्या बात है, तुम लोग का जीएस बहुत अच्छा जा रहा है, बस इसी तरह पढ़ते रहो दोस्तों, ऑप्शंस लगाते रहो, है ना, अच्छा है। चलिए बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, अनुष्का जी ने पलटी मारी इसी प्रकार। और नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। किडनी का काम क्या होता है कोई बताएगा मुझे,
किडनी का काम क्या होता है कोई बता दे यार मुझे, इतना तो मुझे पता है, तो मैं उम्मीद मतलब मैं वही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से जो मुझे पता है। तो किडनी का काम क्या है? ओके, सो लेट्स फिनिश दिस, यहाँ पे फिनिश करते हैं। देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, अप्रोक्स 50 के आसपास क्वेश्चन करे हैं। होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा, करा कि नहीं करा, एंजॉय एंजॉय करा कि नहीं करा, आया मजा कि नहीं आया, आया मजा कि नहीं आया। अब एप्टीट्यूड पढ़ना है, मैथामेटिक्स पढ़ना है, तो आ जाओ अकेडमी ऐप पर सीधे 8 बजे। मैथ छोड़ देना है ना, हाईलाइट देख लेंगे, और जैसे सेकंड इनिंग चालू होगी उसके पहले अपन बंद कर देंगे, ये पक्की बात, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, सेकंड इनिंग के पहले अपन बंद कर देंगे, ठीक है, पढ़ाई बट ठीक है। लेकिन आइएगा जरूर अनअकैडमी ऐप पर। अच्छा भैया सर इसकी पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दूंगा, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, पीडीएफ यहां मिलेगी आपको, ठीक है। तैयार हो जाओ, जोरदार तरीके से इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना 7415065736। और एक चीज, कल 12 बजे से लेके 12 बजे हम यूट्यूब पर मिलेंगे, उसके बाद यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, अनअकैडमी ऐप पर पहले एक क्लास होगी 6 बजे, जिसमें हम जीएसई देखेंगे 6 बजे, और उसके बाद हम रात में मिलेंगे 8 बजे, जहां पे हम एप्टीट्यूड देखेंगे। तैयार रहिएगा। होप आप लोगों को सेशन पसंद आया, सेशन पसंद आया लाइक ठोक दो, सेशन पसंद आया लाइक ठोको यार, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार दोस्तों, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है अनुज भाई, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। चलिए टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिख रहा है, आ जाओ फटाफट से सभी बच्चे, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। चलिए ऐसे तो बहुत सेशन आएंगे दोस्तों, करंट अफेयर मैं पूरा करा दूंगा, मेरी गारंटी है, बस एक ही चीज चाहिए, क्या, रिस्पॉन्स, बस रिस्पॉन्स और सपोर्ट, सपोर्ट बहुत जरूरी है, मुझे आपका, आपको मेरा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे बहुत जल्द 8 बजे, आप लोगों का इंतजार रहेगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अगर पहली बार अनअकैडमी ऐप पे आ रहे हैं, है ना, अगर पहली बार अनअकैडमी ऐप पे आ रहे हैं तो कोड याद रखेगा AC007, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना है इस साल, कुछ भी हो जाए, कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा एग्जाम, पहला एग्जाम क्रैक करना बहुत जरूरी है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कल फिर से मुलाकात होगी, जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे बने रहिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप प्लीज याद रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ोगे तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप इंपॉर्टेंट है, तो टेलीग्राम पर जरूर आ जाइएगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट है वहां बोल सकते हैं आप मुझसे, सो प्लीज ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, सभी को थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ मुझे भी पढ़ के बहुत मजा आया, मैंने भी बहुत खुश सीखा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे कल, जाने का मन नहीं हो रहा है बट एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स भी करना है, इसलिए वहां पे बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। वाला है 11 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूड मैकेनिक्स का क्विज सेशन, जिसमें सिर्फ क्विज नहीं होता है, जिसमें उन क्वेश्चंस के आसपास की पूरी बातें की जाती हैं और उसके आसपास के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बातें की जाती है। उसके बाद आ रहा है शाम को 6 बजे, आपको पता है ना क्या होता है, शाम को 6 बजे होता है बेहतरीन क्विज, जनरल स्टडी पर क्विज होता है, करंट अफेयर पर क्विज होता है, तो वो आपको अटेंड करना है। और उसके बाद 8 बजे है भैया फिर से क्विज, बने रहना संडे को, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बनिएगा। चलिए मिलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले जुड़ जाइएगा 11 बजे, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, एंजॉय।